कॉन्ग्रेचुलेशन आपके सॉन्ग के लिए, काफी धमाकेदार होने वाला है जो हमने कुछ जानकारी दी है, तो कुछ बताइए ये हरियाणवी सॉन्ग क्या है हरियाणी में? थैंक यू। हरियाणा में जो हरियाणा का कल्चर है उसके हिसाब से आपने ड्रेस देख रहे होंगे अभी, पगड़ी और बंदी है उसमें। तो ये हरियाणवी मूवी है हंसा, जो कि जुलाई में रिलीज़ होने वाली है। शूटिंग ज़्यादातर कंप्लीट हो चुकी है, गाना शूट आज चल रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये गाना है धर्म जी के साथ। और धर्म जी मतलब कि इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम धर्म जी का है और उनके साथ गाना शूट करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और हरियाणा का जो कल्चर है और हरियाणा के लिए एक पूरे समाज को एक मैसेज देने वाला गाना है। और फिल्म में भी पूरा आप देखेंगे कि जुलाई में रिलीज होगी कि समाज को एक बहुत अच्छा मैसेज देती है कि रिश्तों की कदर होनी चाहिए। इस फिल्म का जो पूरा निचोड़ है वो यही बताता है कि रिश्ते हमारे लिए मायने रखने चाहिए, इंसान की कीमत होती है ना कि पैसे की। तो हम ये बिग बॉस के बाद ये आपका प्रोजेक्ट है तो कितना एक्साइटमेंट है आप इस प्रोजेक्ट को लेकर, और धर्म जी के साथ होना मतलब इतने बड़े लेजेंड के साथ होना, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए कि ये तो हर कोई चाहता है उनके साथ काम करना। और मैं काम कर रही हूँ आज, और जब मैंने उनको मिली थी तब बोला भी था कि मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ, तो आज वो मेरा सपना भी पूरा हो रहा है कि मैं धर्म जी के साथ। धर्म जी और सलमान जी दो ऐसे चेहरे हैं इंडस्ट्री के कि कौन उनके साथ काम नहीं करना चाहेगा। सोनाली जी, आप सोशल मीडिया में भी काफ़ी हंगामा कर रही है, हाल ही में आपने एक शूट किया था जहाँ पर आप फिटनेस कर रही थी, फिटनेस को लेकर आप काफ़ी आपने कुछ लिया है, आपने रेवोल्यूशन कुछ आप बताना चाहेंगे फिटनेस को लेकर आपने कुछ? बिल्कुल, आप मुझे अब भी देख रहे हैं फिट नज़र, फिट नज़र आ रही हूँ। और आप जिम में गई थी, आपने जिम किया, टेलीटॉक में कुछ आपने किया, कुछ बिल्कुल आप बताना चाहिए, क्या है आपका नया रेवोल्यूशन फिटनेस को लेकर? बिल्कुल, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है फिट रहना, कि हम अगर अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं तो अपने रोज़ के कामों में अपने सेहत के लिए योगा एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल करें। आप जिम में ना जाएं तो घर में भी कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। तो मैं पहले तो अपना जो भी एक्टिविटी मेरी रहती थी उस हिसाब से घर में योगा कर लेती थी, या अपने फार्मिंग से थोड़ा बहुत अपना शारीरिक जो है काम कर लेती थी। और आजकल मैं मुंबई में हूँ तो मैंने जिम ज्वाइन किया और मैं वर्कआउट कर रही हूँ आजकल, 1 मार्च से मैंने स्टार्ट किया और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि जब आप वर्कआउट करते हैं तो एनर्जेटिक महसूस करते हैं और काम को करने के लिए आपके अंदर एक नया उत्साह होता है। सोनाली जी, कितनी लाइफ चेंज हो गई, पॉलिटिशियन के बाद आप एक्ट्रेस आप हो चुकी है, कितनी लाइफ चेंज हुई है बिग बॉस की? बिल्कुल चेंज हुई है, अलग तरह का काम है और वहाँ पे अलग तरह का होता है। इंडस्ट्री में पहले भी मैं जुड़ी हुई थी लेकिन कम काम कर पाती थी, लेकिन आजकल थोड़ा ज़्यादा इसको समय दे रही हूँ, और चाहे वो फिटनेस को लेके हो चाहे मेरे शूट को लेके हो। तो अभी ये गाना आप देख रहे हैं कि मैं शूट कर रही हूँ आज, और दूसरा मैं कल जा रही हूँ हरियाणा, वापस जा रही हूँ। तो दो गाने मेरे अफीम और एक धाकड़ छोरी हरियाणा की, दो गाने मेरे आ रहे हैं। तो आप इस फिल्म के माध्यम से जुलाई में मुझे देखेंगे और गानों में देखेंगे। धाकड़ छोरी मतलब क्या है, मतलब धाकड़ किसको आप मारने वाली है? नहीं नहीं, मारने वाली नहीं हूँ। धाकड़ मतलब हरियाणा की छोरियों के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल मतलब होता है। खान को आप दे रही है टफ कॉम्पिटिशन, छोरी एक बार। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह का है, आमिर खान को तो कंपटीशन क्या देंगे हम, लेकिन हम भी अपना मैं बेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि एक हरियाणा में अच्छी जो लड़कियाँ जो गेम खेलती हैं, रेसलर हैं, जो कुश्ती करती हैं, उन लड़कियों के लिए इस्तेमाल होते हैं ये शब्द। और जो बड़े धड़ल्ले से अपने सारे काम करती हैं और समाज के लिए कुछ अच्छा करती है, उन लड़कियों के लिए यूज़ होता है धाकड़ छोरी। तो जब आप लगन से काम करते हैं तो बिल्कुल मैनेज हो जाता है।
ओके, इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, फिल्मों में तो आप हरियाणवी आ गए, लेकिन हिंदी दर्शक के लिए आप कब आ रही है? हिंदी दर्शकों के लिए बिल्कुल, एक पंजाबी फिल्म भी आ रही है, ये हरियाणवी हो गया, और जल्द ही कल ही मेरी एक मीटिंग हुई है, एक डायरेक्टर हैं जाने माने उनके साथ, और एक दो फिल्मों के लिए मेरी बातचीत चल रही है, तो शुरुआत हो जाएगी जल्द ही हिंदी फिल्मों के लिए भी। ओके, सलमान खान के साथ कभी हम आपको देख पाएंगे? ओ बिल्कुल, मतलब सलमान जी के साथ काम करना सच में, और ज़रूर करूँगी एक दिन, आप देखिएगा, और मैंने उनको भी बोला था कि मुझे करना आपके साथ काम, और उन्होंने कहा भी था बिल्कुल करेंगी, बिल्कुल करेंगी, मैं ये तो नहीं कहता कि अभी करेंगी, लेकिन आप अच्छी आर्टिस्ट हैं, ज़रूर काम करेंगी। सोनाली जी, बिग बॉस के बाद आप घर से बाहर आई, आपने अपने फ्रेंड्स लोगों से मिला, अली और जैस्मिन की बात हो रही, राहुल वैद्य की बात कर रही है, दोनों शादी करने जा रहे हैं, राहुल वैद्य और दिशा, क्या कहना चाहिए? सच में दिशा और राहुल की जोड़ी बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छी जोड़ी है, और दोनों से मैं मिली, और उधर हाँ बिल्कुल मिली हूँ, और उनके जल्दी शादी होने वाली है, उन्होंने पहले से मुझे इनविटेशन भी दे दिया है, और उसी तरह से जैस्मिन और अली का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, और उनका ऐसे ही बॉन्डिंग उनकी बनी रहे, और जल्दी वो लोग भी शादी के बंधन में बंधे, और सब जोड़ियाँ बिग बॉस की जो है, रुबीना अभिनव की जोड़ी भी बहुत अच्छी है, तो सब जोड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, और सब लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं अभी। अली का सॉन्ग आया है तो कैसा लगा? हाँ, देखो टोनी टक्कर वाला सॉन्ग, हाँ कितना आपको पसंद आया, तो कुछ आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत पसंद आया, उस पे मैंने वीडियो भी बनाया और लोगों ने बहुत पसंद किया उसको। ओके, सबसे बात तो आप बहुत ही खूबसूरत आज लग रही है, थैंक यू। तो बताना चाहेंगे कौन से आप फिटनेस, खूबसूरती के लिए क्या क्या आपने यूज किया, आपके हेयर स्टाइलिश के बारे में बताइए, जो आपको इतना खूबसूरत बनाते हैं, ब्यूटी तो उनके बारे में बताइए। जैसे कि आपने ड्रेस भी बहुत ही अच्छा पहना है, तो कुछ आप बताना चाहेंगे, इतनी अच्छी कॉस्ट्यूम पहनना, मतलब किसने आपको ये डिजाइन, कौन से डिजाइनर ने आपको दिया, ये बताइए। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि कॉस्ट्यूम आप देख रहे हैं हरियाणवी, बिल्कुल आप धोती कुर्ता अभी पगड़ी पहनेंगे, तो हमारे साथ में है हमारी डिज़ाइनर जो आपसे, हाँ ईशा से मैं मिलवाना चाहूँगी आपको, ईशा आइए इधर, ईशा मेरी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है, जो आज इन्होंने कॉस्ट्यूम रेडी किया है, और मैम जितने प्यारे लग रहे हैं, मतलब हम सिर्फ सोचते थे, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा कि कोयले की खान से हीरा निकला। अरे अरे थैंक यू, थैंक यू मैम, के लिए हमेशा अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाऊंगी, और ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैम के लिए मैंने ड्रेस बनाई, हमेशा मैं मैम की हर मूवी के लिए, हर गाने के लिए अच्छी से अच्छी डिज़ाइन करके दूंगी, जो पूरे बॉलीवुड में धमाका मचाए हमारी मैम नजर आए, वो तो है ही खूबसूरत, और भी खूबसूरत हो जाए। थैंक यू मैम, थैंक यू ईशा। आपके जो लोग भी है आजू बाजू के लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, ईशा जब मुझसे मिली, जब मैं कॉस्ट्यूम का माप लेने के लिए मेरे घर पे ही आई, और घर पे आके उन्होंने कहा कि अरे बिग बॉस में आप जैसे दिख रही थी उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो, कितनी अच्छी स्किन है, इतनी स्लिम लग रही हो, तो मैंने ईशा से थैंक यू बोला, और मैंने कहा कि स्क्रीन पे मैं थोड़ी सी डबल दिखती हूँ हमेशा ही, और आपने मुझे मतलब इतनी तारीफ़ की उसके लिए धन्यवाद, तो वो भी बहुत अच्छी हैं, जो लोग अच्छे इंसान होते हैं वो सब हमेशा सबकी तारीफ़ करते हैं, और जो मेकअप और जो हेयर कर रहे हैं उनका भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, ये लोग भी अपना काम करते हैं, सुबह ही आ गए थे बेचारे, अभी ऑलरेडी शूट चल रहा है, तो सबके लिए लगे हुए हैं। सुना जी, आप आखिरी सवाल, सलमान के आप फैन हैं, सलमान खान के साथ आप डांस करने वाले, सलमान खान की राधे का लुक आ चुका है, कितना आपको पसंद आया? बहुत अच्छा है लुक उनका, और मेरा दोस्त है संजय, तो उनकी फिल्म में वो मेन विलेन का रोल कर रहा है, रणदीप हुड्डा, और वो जो मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड है संजय, जो कि भूटान से हैं, और उसमें बहुत सारे मेरे जो मेरे क्लोज लोग हैं, जैसे राइटर हैं अपने आलोक उपाध्याय जी, मेरे बहुत ही अच्छे भाई की तरह है, और बहुत सारे लोग हैं उस टीम में, राधे की टीम में, तो मैं एक्साइटेड हूँ फिल्म जल्दी रिलीज़ हो, उस फिल्म के लिए वेट कर रही हूँ, सलमान जी को देखना, सलमान खान मतलब इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेहरा, बहुत ही खूबसूरत चेहरा, जिसको कहेंगे सब लोग पसंद करते हैं, जिसको बार बार देखना चाहते हैं, तो आपका दिल धड़का है सलमान सर के लिए? किसका दिल नहीं धड़का होगा सलमान खान के लिए। ओके, आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा, कितना प्रमोट करेंगे आप राधे को, राधे के लिए आप प्रमोशन के लिए आएंगे? बिल्कुल, मैं प्रमोशन बिल्कुल करूंगी राधे के लिए, और हरियाणा में सब लोगों को कहूंगी कि राधे मूवी देखें। थैंक यू
ओके, सलमान खान एक ही वो शख्स है जिन्होंने इतनी बड़ी फिल्म रिलीज करी, मतलब कोविड पैंडेमिक चल रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन सलमान खान ने जो कमिटमेंट कर दी उसको लेके आप क्या कहना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री गिरी हुई है वो एक बढ़ावा बढ़ सकती है, मतलब आप समझ रहे, क्योंकि थिएटर बंद है तो कई लोगों के रोजगार बंद हो गए, तो कहीं ना कहीं सलमान सर मतलब इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सब लोग इंडस्ट्री के जो लोग हैं कहीं ना कहीं डाउन जा रहे कोरोना की वजह से, तो थोड़ा सा इसको हमें वैक्सीन भी आ गया है तो वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोग लें और कोरोना से छुटकारा पाएं, और इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए राधे मूवी जो रिलीज़ हो रही है, उन्होंने रिलीज़ का डेट बता दिया ना शायद, तो उसके लिए सब लोग देखें जाके, ताकि इंडस्ट्री का जो ठहराव है उसको वापस उसको गति दी जाए। और राधे के साथ साथ मेरे दूसरे फ्रेंड हैदर खान जो डायरेक्टर हैं रोहिंग्या के, रोहिंग्या जल्दी रिलीज हो रही है, उसमें मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं अनिल चौधरी हैं, कपिल गुज्जर हैं, और संजय जो है राधे में विलेन है वो मेन लीड में है संजय रोहिंग्या में, तो दो फिल्में मेरे अपने लोगों की दो फिल्में रिलीज होने वाली है जल्दी, पर्दे पे आने वाली है, तो मुझे बहुत खुशी है। आखिर में अपने फैंस से क्या कहना चाहिए, और हम चाहते हैं अगले साल तक आप सलमान खान के साथ एक फिल्म कर लें। अरे थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही दुआ करते रहिए, तो सलमान जी के साथ मैं जल्दी फिल्म कर लूँगी, क्योंकि बचपन से हम लोग पहले जो था कि धर्म जी के साथ काम करना है, आज धर्म जी के साथ गाना कर रही हूँ। दूसरा मेरा ये हमेशा से रहा कि जब सलमान खान जी को मैं देखने लगी बिग बॉस में वीकेंड के वार पे, उनको उनकी हंसी, उनका मजाक, उनका फ्लोर पे लेट लेट के हंसना, वो मुझे बहुत पसंद आने लगे। सलमान जी सबको पसंद आते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में था कि सलमान खान के साथ फिल्म करना, तो शायद ये इच्छा पूरी करे जल्दी भगवान मेरी, कि मैं आर्टिस्ट हूँ, कोई ना कोई काम मैं ज़रूर उनके साथ करूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।